नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो सर्वप्रथम तो आप लोगों को हार्दिक बधाई। खूब मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए, कृष्ण लीला का आनंद उठाइए। लेकिन श्री कृष्ण द्वारा कही गई गीता की बात मत भूलिएगा कि कर्म आपके हाथ में है, कर्म कीजिए और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अपना कर्म हम लोग करने जा रहे हैं और आज का विषय देखते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य काल के प्रमुख शासकों के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने मौर्य काल के साहित्यिक स्रोत पढ़े, पुरातात्विक स्रोत पढ़े, और उससे पहले मगध वंश का टोटल इतिहास पढ़ा, और उससे पहले का जो है सारा इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में, और उससे पहले के जितने इतिहास है सब हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो आप लोग यदि वीडियो नहीं देखे हैं पुराना वाला, तो वो वीडियो भी जा करके देख लीजिए, बहुत काम का वीडियो है। एक भी क्वेश्चन आपका उन चैप्टर से छूटने वाला नहीं है, चाहे परीक्षा का लेवल कोई भी हो। ठीक है, तो जरूर जा करके देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का अपना विषय, और हम लोग देखेंगे किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में और अशोक के बारे में। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं, और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इन्फो। सर्वप्रथम हम लोग देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियोज में कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धन नंद को पराजित कर मौर्य वंश की नींव रखी थी, कहाँ, मगध में। ठीक है, तो मगध के नंद वंश का उन्होंने समूल नाश कर दिया था, उसे पराजित कर दिया था, धननंद के सेनापति को पराजित कर दिया था, और उसके बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका सिंध विजय की थी, इसके अलावा पंजाब को जीता था। ठीक, और उसके बाद जो है मगध का शासक बनने के बाद उन्होंने जो है सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था, जो कि सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का शासक बन गया था और पश्चिमोत्तर भारत पर जो है आपका शासन कर रहा था। तो उसको भी सेल्यूकस निकेटर को भी हरा करके और चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को यूनानी संप्रभुता या फिर सत्ता से आज़ाद कर दिया था। ठीक है, यूनानी दास्ता से आज़ाद कर दिया था। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, बहुत ही बेहतरीन शासक थे, और उनका जो साम्राज्य था लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। ठीक है, और अशोक के काल आते आते मौर्य साम्राज्य जो है संपूर्ण भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया था अशोक के टाइम पे। और यह इस साम्राज्य के बारे में कहा गया था कि अंग्रेजों का साम्राज्य भले ही पूरी दुनिया में फैला हुआ था, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में जितना बड़ा साम्राज्य अशोक के समय में मौर्य शासन का था, उतना बड़ा साम्राज्य जो है अंग्रेजों का भी भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं हुआ। ठीक है, तो कितने इम्पॉर्टेंट है मौर्य शासक, ये आप यहाँ से जान सकते हैं, और हम लोगों के लिए गर्व का विषय है, भारतीयों के लिए मौर्य शासन। तो आइए देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनका कालखंड बताया जाता है 322 से 298 ईस्वी। ठीक है, और इनकी जन्म तथा जाति के बारे में यदि बात करें तो विभिन्न विद्वानों में इनकी जाति और जन्म को लेकर के मतभेद है। अलग अलग जो ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ, जैन धर्म के ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, पुराण वगैरह जो है सब अलग अलग बात बताते हैं कि इनका जन्म जो है किस स्त्री से हुआ था, उसके बारे में भी मतभेद है, इनकी माता के बारे में मतभेद है, इसके अलावा इनकी जाति क्या थी, शूद्र जाति के थे या फिर क्षत्रिय थे, इस पर भी बहुत सारे मतभेद है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ मुद्रा राक्षस विष्णु पुराण के टीकाकार श्रीधर स्वामी तथा मुद्रा राक्षस के जो टीकाकार थे ढूंढी राज, उनके अनुसार इनको जो है शूद्र बताया गया है, कि इनको चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा किसके अनुसार जो है शूद्र बताया गया है। श्रीधर स्वामी का कहना है कि नंद की पत्नी मूरा से ही इनका जन्म हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, और इसीलिए मूरा से मौर्य बन गया। लेकिन यह बात गलत प्रतीत होती है, क्योंकि धन नंद के पुत्र तो ये नहीं थे। ठीक है, किसी भी नंद वंश के शासक के पुत्र तो ये नहीं थे। ठीक,
इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तो ब्राह्मण परंपरा में कहा गया है कि नंद धन नंद के रनिवास में मतलब रानी के आवास में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था मूरा और उसी के पुत्र जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ये कुछ हद तक सही हो सकता है लेकिन अब ग्रंथ ही तो है, किस पर विश्वास करें किस पर न विश्वास करें, जब विद्वानों में मतभेद है तो मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक, आगे देख लेते हैं। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि किस परंपरा में किस ग्रंथ में क्या कहा गया है। स्पूनर नामक इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य को पारसीक बताया है, ठीक है, पारसीक बताया है। इसके अलावा लौरिया नंदनगढ़ हमने पढ़ा था, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज कहाँ पर है तो पश्चिम चंपारण बिहार में है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ा था, लौरिया नंदनगढ़ में जो है स्तंभ के नीचे, जो स्तंभ है उसके नीचे लघु स्तंभ लेख है वो लौरिया नंदनगढ़, और उस स्तंभ के नीचे जो है मोर का निशान बना हुआ है, और बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि मोर जो था वह राजवंशीय चिन्ह भी था मौर्य शासन का। तो इससे भी जो है थोड़ा बहुत अंदाजा मिलता है कि ये बात सच हो सकती है, ठीक है। जैन एवं बौद्ध ग्रंथ में इनको जो है मौर्य क्षत्रिय जाति का बताया गया है, ठीक है। कहने का मतलब है कि मौर्य वंश जो था एक कबीलाई वंश कह सकते हैं जो कि मौर्य साम्राज्य मगध के आसपास का वंश था, तो उसके सरदार मौर्य वंश के सरदार की पुत्री से इनका जन्म हुआ था ऐसा कहा जाता है बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में, ठीक है। और लौरिया नंदनगढ़ में जो मोर का निशान है स्तंभ के नीचे उससे इस बात की थोड़ी बहुत पुष्टि भी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद सर्वप्रथम ग्रुनवेडेल ने ये बताया था कि मौर्यों का राजवंशीय चिन्ह जो था वो भी मोर था, ठीक है, मयूर था। तो ये भी याद रखिएगा कि सर्वप्रथम किसने बताया था, तो ग्रुनवेडेल ने ऐसा बताया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इनके जन्म और जाति के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जब माँ का ही नाम नहीं पता है तो जन्म कब हुआ था ये बताना तो और ज़्यादा मुश्किल है, ठीक। तो इनको रहने देते हैं यहीं पर, हम लोग आगे चलते हैं और देख लेते हैं राज्यारोहण इनका, ठीक है। राज्यारोहण को अगर देखें तो 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन की संधि हुई थी सिकंदर के सेनापतियों में। कहने का मतलब है कि 323 ईस्वी में बेबीलोन में जो है आपका सिकंदर की हत्या कर दी गई थी, तो उसके बाद सिकंदर के जो सेनापति बचे हुए थे उनमें संधि हुई थी बेबीलोन की, ठीक है, और उन्होंने आपस में साम्राज्य बांटा था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 321 ईस्वी पूर्व में आपका उन्हीं सेनापतियों में ट्रिपरेंडिस की संधि भी होती है, ठीक है। लेकिन ट्रिपरेंडिस की जो संधि हुई थी इसमें भारत का कोई जिक्र नहीं मिलता है। तो इसी आधार पर बताया गया है कि 323 ईस्वी पूर्व में तो भारत का जिक्र था, सेनापतियों ने विभाजन किया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो क्षेत्र सिकंदर के अंडर में थे उसमें कौन कहाँ शासन करेगा, ठीक है। लेकिन 321 ईस्वी पूर्व में जो संधि हुई उसमें भारत का कोई जिक्र नहीं है। तो कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में यानी कि 321 ईस्वी पूर्व और 323 ईस्वी पूर्व के बीच में 322 ईस्वी पूर्व में इनका राज्यारोहण हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था किनका, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो याद रखिएगा 322 ईस्वी पूर्व में इनका जो है राज्यारोहण बताया जाता है, ठीक। आगे देख लेते हैं हम लोग तो राज्याभिषेक कब हुआ, 322 ईस्वी पूर्व में हुई, यही मान्यता है। आगे देख लेते हैं तो कैंटन नगर चीन के अभिलेख में जो है बिंदुओं के द्वारा वर्ष की गणना की जाती थी। उस समय जो कैंटन नगर अभिलेख था जो चीन में था उसमें बहुत सारे बिंदु थे, 469 पॉइंट्स उसमें दिए हुए थे और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर वर्ष की गणना की जाती थी, ठीक है। इसको जो है डॉटेड रिकॉर्ड भी कहा जाता है, 469 नहीं 489 बिंदु थे, ठीक है। और यह जो वर्ष की गणना होती थी वह महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के एक वर्ष बाद से शुरू होती थी, और इस डॉटेड रिकॉर्ड के हिसाब से भी जो राज्यारोहण का समय निकलता है किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, वह यही निकलता है आपका 322 ईस्वी पूर्व। तो यह जो है सिद्ध भी हो जाता है कि 322 ईस्वी पूर्व में इनका जो है राज्यारोहण हुआ था। अब देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नामों के बारे में, तो इनका बहुत सारा नाम अलग अलग लोगों ने दिया है। सबसे पहला देख लेते हैं तो नियारकस जो कि जल सेनापति था सिकंदर का, उसने इनको जो है सेंड्रोकोपटस कहा है, सेंड्रोकोपटस, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं तो स्ट्रैवो, एरियन और जस्टिन, इन सब के बारे में हम लोग साहित्यिक स्रोत में पढ़ चुके हैं। तो स्ट्रैवो, एरियन और जस्टिन ने
चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, सेंड्रोकोटस। उसने कहा था क्या, सेंड्रोकोपटस, सेंड्रोकोपटस कहा था नियारकस ने, और इन लोगों ने कहा है स्ट्रैबो, एरियन और आपका जो जस्टिन है उसने इनको कहा है सेंड्रोकोटस। तो कोपटस और कोटस दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। इसके अलावा एथियानस और प्लूटार्क, एथियानस और प्लूटार्क ने इनको क्या कहा है, तो एंड्रोकोटस कहा है, ठीक है। तो तीन नाम हो गए, सेंड्रोकोपटस, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ठीक है। और ये किन किन लोगों ने कहा है ये याद रखिएगा। और सर्वप्रथम 1793 में, 1793 में विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान की थी, किसके रूप में, आपका चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान की थी। तो ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है विलियम जोन्स का नाम, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की कुछ उपलब्धियां और उनके विजयों के बारे में, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो है उन्होंने पंजाब और सिंध को जीता था, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जो है मगध पर आक्रमण किया था, जैसे मैंने बताया कि पहली बार में आक्रमण फेल हो गया था, लेकिन दूसरी बार में इन्होंने धननद को हराया था। तो धननंद को हराने में इन्होंने प्रवर्तक पर्वतक नामक राजा से सहायता ली थी, और धननंद की तरफ से उसका सेनापति भद्दशाल युद्ध कर रहा था। सेनापति कौन था, भद्दशाल। तो भद्दशाल को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है नंद वंश की सत्ता को समाप्त कर दिया, और फिर जो है अपना मौर्य वंश की स्थापना कर ली। इसके बाद देख लेते हैं संपूर्ण आपका, इसके बाद जो है उत्तर पश्चिमी सीमा विजय के बारे में देख लेते हैं। तो महाबोधि वंश और परशिष्ट पर्वन में जो है इसके बारे में किंवदंती दी गई है, जो कि मैंने बताया था आपको कि एक लड़का था जो कि रोटी खा रहा था, तो बीच से टुकड़ा वो किया, काटा और उसका हाथ जल गया। इसके अलावा जो है परशिष्ट पर्वन में रोटी नहीं दिया है, खीर दिया हुआ है। जब भी हम लोग खीर वगैरह खाते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले साइड से खाते हैं, खीर खाइए, खिचड़ी खाइए, कुछ भी खाइए, तो सबसे पहले साइड से चम्मच से निकालिए, ठीक है। बीच से अगर निकालिएगा तो ज़्यादा आपका हाथ जलेगा या फिर मुंह जल जाएगा, लेकिन अगर साइड से निकालिए थोड़ी थोड़ी देर में, साइड से निकालते रहिए, और उसके बाद फिर फैला दीजिए, फिर साइड से निकालिए, फिर फैला दीजिए, तो खाने में मज़ा भी आता है और ठंडा ठंडा भी रहता है, ठीक है, आपका मुंह जलेगा नहीं। तो यह जो है महाबोधि वंश और परशिष्ट पर्वन में वो किंवदंतियां दी गई है। महाबोधि वंश जो है वह आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, और परशिष्ट पर्वन जो है वह आपका जैन धर्म का ग्रंथ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं सेल्यूकस निकेटर से युद्ध के बारे में। तो यह युद्ध कब हुआ था, 305 से 304 ईस्वी पूर्व के बीच में यह युद्ध हुआ था, और युद्ध में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे, सेल्यूकस निकेटर को उन्होंने पराजित कर दिया था, लेकिन बाद में जो है दोनों के बीच में संधि हो गई। कब, 303 ईस्वी पूर्व में दोनों के बीच में संधि हो गई, और संधि के फलस्वरूप जो है 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को उपहार स्वरूप दिए, और उससे इनको दहेज में क्या क्या मिल गया, तो पूर्वी अफगान दहेज में उनको जो है आपका एरिया यानी कि हेरात, अराकोसिया यानी कि कंधार, जेड्रोसिया यानी कि मकरान तट, और पेरिपनिसदाई यानी कि काबुल मिल गया था, ठीक है। 500 हाथी उपहार में दिया। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से इन्होंने शादी कर ली, और इनको जो है ये चार राज्य जो है वह दहेज स्वरूप मिल गए। और इसके बाद, इसके अलावा जो है पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु का जो पश्चिमी क्षेत्र था, उन सब पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया था। तो समझ लीजिए कि एक तरह से सारा जो पश्चिमोत्तर भारत था, भारत से मतलब यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप से है, अभी के भारत से नहीं है, ठीक है। तो पूरा पाकिस्तान मान करके चलिए, बलूचिस्तान हो ही गया तो पाकिस्तान आ गया, उसके बाद अफगानिस्तान हो गया आपका जो है, अफगानिस्तान यहाँ पर दिया भी हुआ है, पूर्वी अफगानिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, और सिंधु का जितना पश्चिम का इलाका है वो सारा जो आपका पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र था वो सारा आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था हेलेना से विवाह जो हुआ था, आपका सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से जो विवाह हुआ था, इसका उल्लेख केवल एपियानस ने किया है, ठीक है। एपियानस ने इसका उल्लेख किया है, हेलेना से जो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था इसका, तो यह याद रखिएगा, पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा यह जो आपका 500 हाथी उपहार देने की बात है और दहेज में जो चार राज्य मिलने की बात है, इसका जो वर्णन है प्लूटार्क ने किया है, तो यह भी याद रखिएगा, यह भी पूछा जा चुका है, किस चीज़ का वर्णन किसने किया है यह पूछा जा सकता है, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था,
मेगास्थनीज के बारे में हम लोग डिटेल में पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं साहित्यिक स्रोतों में, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं मगध विजय। हम लोग मगध विजय के बारे में, तो मगध विजय हम लोगों ने देख लिया है। संपूर्ण भारत विजय के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। तो प्लूटार्क का कहना है कि पश्चिमोत्तर भारत पर अधिकार होने और मगध का शासक बनने के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने 600,000 सैनिकों की सेना के साथ संपूर्ण भारत को रौंद दिया था, ठीक है। यह किसका कहना है? प्लूटार्क का कहना है, ठीक है। और इसका जो साम्राज्य था वह पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर के पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। और बंगाल क्या जो अशोक था उसके साम्राज्य में तो आपका कलिंग भी जीत लिया गया था, तो अभी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बंगाल तक था। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। कहा जा सकता है कि तमिलनाडु, दक्षिण में तमिलनाडु और थोड़ा बहुत केरल का क्षेत्र, उस समय तो केरल हुआ भी नहीं करता था, तमिलनाडु का ही क्षेत्र कहा जाता था। तो तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र है, जो आपके सेवन सिस्टर्स हैं, उनको छोड़ करके संपूर्ण भारत पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियानों के बारे में और उनके जीवन के कुछ क्रम के को देखा। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई थी। तो जैन ग्रंथ है आपका रजावली कथा, रजावली कथा नामक जैन ग्रंथ है, उसमें कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया था। और भद्रबाहु के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, जब हम लोग पढ़ रहे थे जैन धर्म के बारे में, तो मैंने बताया था कि जब अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, तो भद्रबाहु जो है अपने शिष्यों को लेकर के दक्षिण भारत चले गए थे। तो उन्हीं भद्रबाहु से जो है आपका इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उनके साथ दक्षिण भारत चले गए। कहाँ चले गए? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चले गए थे, और चंद्रगिरी पर्वत पर उन्होंने जो है संलेखना प्रक्रिया से अपनी जान दे दी, यानी कि निर्वाण प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो यह याद रखिएगा, ठीक है, चंद्रगिरी पर्वत याद रखिएगा, फिर आप जो है श्रवण बेलगोला कर्नाटक याद रखिएगा, भद्रबाहु याद रखिएगा, ठीक है, और संलेखना प्रक्रिया याद रखिएगा। ये सबसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और इन्होंने जो है दक्कन विजय भी किया था। एक बात मैं बताना भूल गया, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दक्कन विजय किस मौर्य शासक ने किया था, तो दक्कन विजय जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जितने भी तथ्य पूछे जा चुके हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है वो सब हम लोगों ने पढ़ा। आगे और भी पढ़ेंगे जब नगर प्रशासन और बाकी सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य वंश के आगे का इतिहास पढ़ेंगे, तब हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किस प्रकार का प्रशासन था, किस प्रकार किसका सेना संगठन था, किस प्रकार का समाज था, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, सब हम लोग देखेंगे। अब अभी हम लोग केवल और केवल शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी जीवनी पढ़ रहे हैं और जीवन काल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आगे चलते हैं हम लोग और देख लेते हैं अब बिंदुसार के बारे में, ठीक है। तो इन्हीं का पुत्र था बिंदुसार, ठीक है, और इसका नाम जो है बहुत सारा बताया जाता है, यूनानी लोग जो है इसको अमित्रचेट्स कहते हैं, ठीक है, अमित्रचेट्स। और इसका कालखंड जो है वह है 298 से 273 ईस्वी पूर्व, 298 से 273 ईस्वी पूर्व। और इसको जो है सिंहसेन भी कहा गया है और अमित्रघात भी कहा गया है, तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो परशिष्ट पर्वन में जो है बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा बताया गया है, बिंदुसार की माता का नाम क्या बताया गया है? दुर्धरा बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं, तो बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, ठीक है, तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, ठीक। उत्तरापथ की राजधानी उस समय हुआ करती थी तक्षशिला, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे मौर्य साम्राज्य जो है वो 5 प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है। तो उसी में उत्तरापथ जो था उसकी राजधानी थी तक्षशिला, जहां पर विद्रोह हुआ था बिंदुसार के टाइम में। तो उसने क्या किया, सर्वप्रथम अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था, और उससे भी नहीं हुआ तो बाद में जो है आपका किसको भेजा था, तो अशोक को भेजा था, ठीक। तो याद रखिएगा, और अशोक उस समय कहाँ का प्रशासक था, तो मालवा या फिर उज्जैन का प्रशासक था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो डाइमेकस नामक राजदूत आया था बिंदुसार के दरबार में, जो कि किसका राजदूत था, तो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। कौन? डाइमेकस, जो कि आपका बिंदुसार के दरबार में आया था। एक और आपका जो है
अच्छा हाँ, ये जो एंटियोकस प्रथम का राजदूत आया था, तो इसके द्वारा जो है डाइमेकस से कह करके और बिंदुसार ने एंटियोकस से मंगवाया था क्या, अंगूरी मदिरा मंगवाया था, अंजीर मंगवाया था और दार्शनिक की मांग की थी। तो उसने क्या किया, आपका एंटियोकस ने क्या किया कि आपका दार्शनिक छोड़ दिया और बाकी जो है अंगूरी मदिरा और अंजीर जो है उसको भेज दिया था। और ये वर्णन कहाँ मिलता है, तो केवल जो है आपका इथिनियस ने इसका वर्णन किया है। यह भी पूछा जा चुका है कि इसका वर्णन किसने किया है, तो इथिनियस ने किया है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो राजदूत था वो था डायनोसिस। उसका नाम क्या था, डायनोसिस नाम था। और यह जो है मिस्र के शासक टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था। टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था जो कि मिस्र का शासक था। और राजदूत का नाम क्या था, डायनोसिस था। ठीक है, और यह जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देख ले तो बिंदुसार जो था वह धर्म सहिष्णु था, आजीवक संप्रदाय का वो जो था अनुयायी था। ठीक है, और आजीवक संप्रदाय के ही पिंगल वत्स जो थे वो उसके मित्र थे, उन्हीं से उसने जो है दीक्षा प्राप्त की थी आजीवक संप्रदाय में। ठीक, और यह इसका जिक्र जो है वह दिव्यावदान नाम के बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। किसमें, दिव्यावदान में मिलता है यह जिक्र कि पिंगल वत्स जो था वह उनका नजदीकी था जो कि आजीवक संप्रदाय का था। आगे देख लेते हैं हम लोग अशोक के बारे में। तो इनका जो है सामान्य नाम जो था, जितने भी अभिलेख हैं उनमें इनका सामान्य नाम देवा नाम पियदसी बताया गया है, मतलब कि देवताओं का प्रिय। सिर्फ आपका मैंने बताया भी था पहले कि चार अभिलेख हैं, मस्की, गुर्जरा, उद्गोलन और नेत्तूर, जिसमें इनका नाम जो है ओरिजिनल बताया गया है, अशोक बताया गया है। इसके अलावा आपका जो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख है उसमें भी अशोक का नाम अशोक ही आया है। ठीक, तो नाम अगर हम लोग देख लें, अन्य नाम देख लें, तो भब्रू अभिलेख में इनका नाम जो है अशोक का नाम प्रियदर्शी बताया गया है। कहाँ, भब्रू अभिलेख में। ठीक, मस्की अभिलेख में इनका नाम जो है बुद्ध साक्य कहा गया, नाम नहीं। मस्की में तो आपका नाम क्या है, अशोक ही है, लेकिन जो आगे उनके बारे में जब चर्चा की गई है तो मस्की में क्या कहा गया है, अशोक को बुद्ध साक्य कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख के बारे में बता दिया कि उसमें जो है अशोक ही कहा गया है। ठीक, इनकी माता के नाम के बारे में देख लेते हैं। तो महाबोधि वंश में, महाबोधि वंश जो कि बौद्ध ग्रंथ है उसमें जो है अशोक की माता का नाम धम्मा बताया गया है, धम्मा। ठीक है, दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम पासादिका बताया गया है, पासादिका किसमें बताया गया है, दिव्यावदान में। इसके अलावा एक अन्य ग्रंथ है अशोक अवदान माला, अशोक अवदान माला। ठीक है, और एक लेखक थे स्मिथ, उन्होंने अशोका नाम का एक स्क्रिप्ट लिखा है, उसमें भी जो है इनकी माता का नाम जो है सुभद्रांगी बताया गया है। किसमें, किसमें, सुभद्रांगी बताया गया है, अशोक अवदान माला और अशोका नामक स्क्रिप्ट में, जिसका जिसकी रचना किसने की थी, स्मिथ नामक इतिहासकार ने की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन इसकी माताएँ बताई गई हैं, धम्मा, पासादिका और सुभद्रांगी, इसकी माताओं का नाम बताया गया है। अब कौन ओरिजिनल थी ये भगवान जाने या फिर अशोक जाने, अशोक भी कैसे जानेगा, वो तो बच्चा होगा। जो भी है, आगे देख लेते हैं पत्नी के बारे में। तो बौद्ध ग्रंथ में जो है इसकी पत्नियों का नाम असंधि मित्रा, महादेवी, पद्मावती और तिस्य रक्षिता बताया गया है। ठीक है, इसकी चार पत्नियां बताई गई हैं बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से। कौन कौन, तो असंधिमित्रा, महादेवी, पद्मावती और तिस्य रक्षिता। इसके अलावा हम लोग देख चुके हैं प्रयाग स्तंभ लेख में जो है आपका उसको रानी का लेख क्यों कहा जाता है, क्योंकि अशोक की पत्नी कारुवाकी का वह उसमें दान देते हुए वर्णन किया गया है। तो एक और पत्नी आपकी जुड़ गई, कारुवाकी। ठीक है, तो इस प्रकार से पांच पत्नियों के बारे में मैंने बता दिया, लोगों की एक भी संभलती नहीं है। ठीक, आगे देख लेते हैं पुत्र और पुत्रियों के बारे में। तो बौद्ध ग्रंथों में अशोक की पुत्री संघमित्रा और चारुमती का जिक्र आता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में संघमित्रा और चारुमती का जिक्र आता है। ठीक, इसके अलावा पुत्रों में देखें तो बौद्ध ग्रंथों में ही कुणाल और महेंद्र का जिक्र आता है, जिनको अशोक ने अलग अलग भेजा था, किसके लिए,
बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है। तो पुत्रियों में हम लोगों ने देखा संघमित्रा एवं चारुमती का जिक्र आता है, और पुत्रों में हम लोगों ने देखा कि कुणाल और महेंद्र का उल्लेख आता है, ठीक। इसके अलावा राजतरंगिणी में जालौक का उल्लेख है, जो कि अशोक का पुत्र था, ठीक है। इसमें राजतरंगिणी में कहा गया है कि अशोक के पुत्र जालौक ने जो है श्रीनगर को बसाया था कश्मीर में, ठीक। तो इस प्रकार से आपका राजतरंगिणी में जालौक का उल्लेख मिलता है। राजतरंगिणी एक ऐसी पुस्तक है जो कि कलहन का लिखा हुआ है, और यह जो एक पुस्तक है उसमें कश्मीर का टोटल इतिहास दिया हुआ है, टोटल जितना भी शुरू से लेकर अंत तक जितना वंशानुक्रम वहाँ रहा है वो सारा कुछ दिया हुआ है राजतरंगिणी में, ठीक है। तो उसी में कहा गया है कि अशोक का पुत्र जालौक था जिसने श्रीनगर को बसाया था, ठीक। इसके अलावा हम लोग देख लें तो प्रयाग स्तंभ लेख में इसने जो है जालौक ने कश्मीर को ही बसाया था, ठीक है, कश्मीर को बसाया था, श्रीनगर नहीं। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी, लेकिन कश्मीर को किसने बसाया था, तो जालौक ने बसाया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो हम लोगों ने देखा है पहले भी कि रानी का ही जो लेख है आपका प्रयाग स्तंभ लेख जो है उसी में इसके एक पुत्र तीवर का भी नाम मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चार पुत्रों के बारे में इसके देखा। अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं अशोक के राज्याभिषेक के बारे में। तो अशोक जो है वह यूं तो गद्दी पर 273 ईस्वी पूर्व में ही बैठ गया था, लेकिन इसका राज्याभिषेक जो है वह 269 बीसी में यानी 269 ईस्वी पूर्व में संपन्न हो पाया था, क्योंकि जो चार वर्ष थे उन चार वर्षों में कहा जाता है कि उत्तराधिकार का युद्ध चलता रहा अशोक और उसके भाइयों में। अब इसमें भी विभिन्न ग्रंथ जो हैं अलग अलग बातें करते हैं। कुछ ग्रंथ बताते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके तब गद्दी पर बैठा था वो, और उसके कुछ जो ग्रंथ बोलते हैं कि अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके इसने गद्दी पाई थी। कुछ ग्रंथ जो हैं और भी कुछ बताते हैं, तो अलग अलग ग्रंथों का अलग अलग कहना है। आगे देख लेते हैं हम लोग, तो उत्तराधिकार युद्ध के बारे में अगर हम लोग देखें तो बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, ठीक। इसके अलावा दीपवंश और दिव्यावदान में भी जो है आपका उत्तराधिकार युद्ध की चर्चा की गई है। तो बौद्ध ग्रंथ में कौन कौन हो गए, महावंश हो गए, आपका दीपवंश हो गया और दिव्यावदान हो गया, ठीक। इसके अलावा चीनी ग्रंथ है फा युएन चुलिन और तिब्बती धर्म ग्रंथ है तारानाथ, इसमें भी जो है उत्तराधिकार युद्ध का वर्णन मिलता है, ये चीनी और तिब्बती ग्रंथ में। अन्य बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने सौतेले बड़े भाई सुसीम की हत्या करके राजगद्दी अपनाई थी, ठीक है। लेकिन यह असत्य प्रतीत होता है, क्योंकि अशोक का जो पांचवा शिलालेख है उसमें अशोक के जीवित भाइयों तथा उसके परिवार का जिक्र मिलता है, ठीक है। तो यह बात जो है थोड़ा सा अजीब लगता है कि उसने अपने भाइयों की हत्या की होगी। हो सकता है अशोक को इतना महान था कि उसके मतलब कि आलोचना करने के लिए या फिर उसको बदनाम करने के लिए ऐसा लिखा गया हो, ऐसा भी प्रतीत होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग, तो अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं अशोक की कुछ विजयों के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण विजय जो था वह है आपका कलिंग विजय, जो कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी कि 9वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। और जब उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी तब कलिंग की राजधानी क्या थी, तो तोसाली थी। कलिंग की राजधानी तोसाली थी, ठीक है। और इसका उल्लेख जो मिलता है वह 13वें शिलालेख में मिलता है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक। और इसी में जो है इसी युद्ध में इतना ज़्यादा नरसंहार हुआ था कि अशोक का जो अंतरात्मा था उसको बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा, बहुत ज़्यादा आघात पहुँचा, ठीक है। और उसने क्या किया, जो दिग्विजय का उसका सपना था, दिग्विजय के लिए जो वो निकला था, पूरी हर दिशा को जीतने के लिए निकला था, संपूर्ण विश्व को जीतने के लिए निकला था, तो वहाँ से उसका जो अंतरात्मा है वो बदल गया और उसने जो है धम्म विजय को अपना नीति बना लिया था। तो इस प्रकार से अशोक जो है वह शांति और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा वहाँ से, ठीक। तो इसलिए कलिंग विजय को जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक।
आगे देख लेते हैं इसके अन्य विजयों के बारे में। तो अशोक के अन्य विजय में आपका सबसे महत्वपूर्ण है खास और नेपाल विजय, ठीक है। तो खास जो है उसकी पहचान संदिग्ध है कि कहाँ वो था, कौन सा राज्य था, लेकिन कहा जाता है कि खास पर उसने विजय प्राप्त की थी और इसके अलावा नेपाल में पर भी इसने विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा राज तरंगिणी में कहा जाता है कि अशोक ने कश्मीर में आपका श्रीनगर नगर की स्थापना की थी और इसके बाद नेपाल में जो है इसने अशोक ने देवपत्तन नामक नगर की स्थापना की थी, ठीक। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो कश्मीर है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, बंगाल और दक्षिण में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इत्यादि जो है अशोक के साम्राज्य में शामिल थे। मतलब कि दक्षिण में आप चले जाइए तो आंध्र प्रदेश कुरनूल में हम लोगों ने देखा है, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में अशोक का लेख मिलता है, ठीक। तो दक्षिण भारत में चले जाइए तो आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर भारत में चले जाइए तो कश्मीर हो गया, पश्चिमोत्तर भारत में चले जाइए तो आपका अफगानिस्तान और उससे भी आगे तक हो गया, हिंदू कुश पर्वत तक हो गया। आप इधर चले आइए, पूरब में चले आइए तो हम लोगों ने देखा कि कलिंग विजय अशोक ने की, तो ओडिशा हो गया, बंगाल हो गया पूर्व में, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत छोड़ करके सारा पूर्व का जो दिशा हो गया वो हो गया, मगध का तो वो सम्राट ही था, ठीक है। गुजरात में हम लोग देखते ही हैं कि मिलता है, राजस्थान में देखते ही हैं कि मिलता है, मध्य प्रदेश में देखते ही हैं कि मिलता है। तो मतलब कह सकते हैं कि तमिलनाडु और पूर्वोत्तर को छोड़ करके संपूर्ण भारतवर्ष पर, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर मौर्य शासन का साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है। और यह जो था आपका संपूर्ण भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था, यह भी कहा जाता है, ठीक। आगे देख लेते हैं तो इस अशोक ने वर्णन भी किया है कि चोल, पांड्य, सतीय पुत्र और केरल पुत्र यानी कि चेर जो थे वह इसके साम्राज्य के बाहर थे, बाकी सब जो था वह इन्हीं का था, ठीक है, अशोक का ही था। आगे देख लेते हैं तो कुछ परीक्षोपयोगी तथ्य देख लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने देख लिया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में और अशोक के बारे में, ठीक है। इनका जीवन काल के बारे में हम लोगों ने देख लिया, जो व्यक्तिगत विवरण था वो देख लिया, मौर्य काल के प्रशासन वगैरह के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट तथ्य जो पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह जैन धर्म का अनुयायी था और भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म में दीक्षा ली थी, यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, याद रखिएगा। बिंदुसार जो था वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और अशोक जो था उसने उपगुप्त से बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी, यह मैंने नहीं बताया था, तो याद रखिएगा उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी, यह पूछा जा चुका है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है, ठीक है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है, यह पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं तो राजगद्दी पर बैठते वक्त अशोक जो था वह अवंती का राज्यपाल या प्रशासक था, अवंती का राज्यपाल या प्रशासक था। वैसे मैंने पहले मालवा और आपका मालवा या फिर उज्जैन बताया था तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका अवंती का राज्यपाल था यह भी सही है, ठीक, क्योंकि ये सब जो क्षेत्र हैं आसपास के ही हैं, तो एग्जैक्टली अगर पूछे तो अवंती बताइएगा, ठीक है। वैसे ऑप्शन में अगर मालवा या उज्जैन दे तो वो भी सही होगा। आगे देख लेते हैं तो भब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, या बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो भब्रू स्तंभ लेख में उसने ऐसा किया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है, यह भी पूछा जा चुका है तो याद रखिएगा। और अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी भी बताया गया है, कहाँ, पुराणों में बताया गया है, ठीक। आगे देख लेते हैं तो राज तरंगिणी के अनुसार अशोक जो था वह शैव था, राज तरंगिणी के अनुसार अशोक जो था वह शैव था, मतलब शैव धर्म का अनुयायी था। और तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है अशोक के शासनकाल में हुआ था, यह हम लोग बौद्ध संगीति जब पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था, नाम याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था, जिसको उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और शुंग वंश का मगध में साम्राज्य स्थापित किया था, ठीक है। और यह कब हुआ था, 185 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है, 185 ईस्वी पूर्व में जो है बृहद्रथ जो था
उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो पाटलिपुत्रा स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है वह लकड़ी का बना हुआ है, तो यह भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि पाटलिपुत्रा में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल है वह किस चीज़ का बना हुआ है, तो लकड़ी का बना हुआ है। ठीक, आगे देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव जो था वह पश्चिम भारत तक था, यह लिखा हुआ है जूनागढ़ अभिलेख जो कि रुद्रदामन का है, उसमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वह पश्चिम, जो प्रभाव था वह पश्चिम भारत तक भी था। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, बीपीएससी में यह भी पूछा जा चुका है, क्योंकि जितना भी मगध वंश का साम्राज्य है, जितना भी है, मौर्य वंश हो गया, फिर आगे हम लोग शुंग वंश के बारे में भी पढ़ेंगे, तो ये सब जो कहाँ हुआ था, बिहार में ही हुआ था। इसलिए बीपीएससी के लिए बीबीआई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीटी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और खैर, अशोक तो संपूर्ण भारतवर्ष का राजा था, तो किसी भी पीसीएस में, किसी भी एग्जाम में जो है अशोक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, मौर्य काल से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और गुप्त काल से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और संयोग है, बिहार का मतलब बिहार पर मुझे गर्व है, इसीलिए बिहार का निवासी होने पर मैं अपने आप को गर्वित महसूस इसीलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ पर मौर्य वंश की भी स्थापना हुई थी, गुप्त वंश भी जो है यहीं से संबंधित था। ठीक है, तो और उसके अलावा भगवान बुद्ध को देख ले, महावीर को देख ले, तो वो सब लोग भी जो है बिहार से ही संबंधित थे। इस कारण से भी मुझे बहुत ही आनंद होता है कि मेरा जन्म बिहार में हुआ है। इसके अलावा वैशाली जिला, वैशाली जो है आपका लोकतंत्र की जननी मानी जाती है, विश्व का प्रथम लोकतंत्र माना जाता है, इसलिए भी मैं गौरवान्वित अपने आप को महसूस करता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने मौर्य काल के शासकों के बारे में देखा। अब अगले वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे नगर प्रशासन के बारे में, सैन्य प्रशासन के बारे में, समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, कला एवं साहित्य के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अशोक के धम्म के बारे में देखेंगे, धम्म की क्या नीति थी, किस प्रकार से उसने बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और तेज़ी में, जितनी तेज़ी में मैं वीडियो देता जा रहा हूँ, उतनी ही तेज़ी में आप लोग वीडियो देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, समाप्त करते जाइए।